दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में कि किसी भी मोटर को बाइंड करने से पहले जो हम लोग रिंग बनाते हैं उसका साइज हालांकि कैसे निकालते हैं, क्योंकि हर एक मोटर को जब हम बाइंड करते हैं तो हर एक मोटर का साइज जो होता है अलग अलग होता है। तो हर एक मोटर को बाइंड करने से पहले रिंग का साइज निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में बहुत ही बारीकी और विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपील है आपसे कि मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों किसी भी मोटर का साइज निकालने से पहले एक वायर का टुकड़ा ले लेना है आपको। एक किसी भी नंबर का आप वायर ले सकते हैं, ये कोई लिमिट नहीं है कि इतना ही नंबर का वायर आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो इस किसी भी नंबर का एक वायर का टुकड़ा ले लें, और वायर का टुकड़ा लेने के बाद में आपको इसे बाइंडिंग कैसे करना है, सबसे पहले आपको केयर ए करना है। जैसे कि बाइंडिंग दो तीन प्रकार का होता है, तो हम लोग जो इसमें बाइंडिंग करते हैं 1 से 6 में फर्स्ट रिंग डालते हैं, और 1 से 8 में सेकेंड रिंग डालते हैं, 1 से 10 में थर्ड रिंग, और 1 से 4 में लास्ट रिंग। जैसे कि रनिंग में हम डालते हैं 4 रिंग का एक सेट बनाते हैं और रनिंग में डालते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब इस फर्मा पर हम लोग सेट करते हैं तो 1 से 6 के तरफ ऊपर आप जा सकते हैं, और नहीं तो 1 से 12 से आप नीचे डाउन हो सकते हैं। तो ठीक है, तो आपको सब बीच में से आप किसी भी 1 से 8 का डाटा नहीं निकाल सकते हैं, 1 से 10 का डाटा नहीं निकाल सकते, साइज नहीं निकाल सकते हैं, 1 से 6 का निकाल सकते हैं, नहीं तो 1 से 12 का निकाल सकते हैं। तो हम निकाल रहे हैं इसमें 1 से 6 का डाटा। तो हम लोग रनिंग में डालते हैं 4। तो दोस्तों हम लोग रनिंग में डालते हैं 4 कॉइल, और स्टार्टिंग में डालते हैं 2, जो कि 1 से 10 में और 1 से 12 में। ठीक है, तो 1 से 12, तो जब आप स्टार्टिंग का जो रिंग बनाएंगे तो आपको इस सब 1 से 6 1 से 8 को छोड़ देना है, 1 से 10 का साइज देख लेना है और 1 से 12 का साइज। तो जो ही 1 से 6 का साइज जो ही निकालेंगे ना, तो बस यही साइज आपका रह जाएगा। ये जो एडजस्ट करेंगे यही साइज रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ही हम 1 से 6 में यहाँ बनाएंगे, 1 से 8 में यहाँ, 1 से 10 में यहाँ, और 1 से 12 में यहाँ। ठीक है, तो यही साइज रह जाएगा, एडजस्ट तो बराबर रह जाएगा, लेकिन 1 से 10 में यहाँ बन जाएगा और 1 से 12 में यहाँ बन जाएगा स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, और रनिंग तो हम एडजस्ट करेंगे ही। तो चलिए हम अब सबसे पहले साइज बनाते हैं। तो दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे पहले ये जो रिंग जो है इसमें आपको वायर डाल देना है, जैसे आपको 1 से 6 में डालना है। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए कि इस प्रकार से आपको वायर यहाँ से एडजस्ट कर लेना है कि कितना हम फालतू रखेंगे तो हमारा रिंग सटीक आएगा। ये आपको ही गेस करना है, ये कोई नहीं गेस करके बताएगा। ठीक है, इस हिसाब से आपको वायर रखना है, और इधर भी आपको सेम उसी हिसाब से ये सेट करके एडजस्ट करके, और फिर यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करके, और इसे बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद में क्या करना है आपको, इस वायर को ऐसे फोल्ड हम कर देंगे। फोल्ड करने के बाद में जो बेस्टेज वायर है इसे हम काट देंगे। अब जैसा कि ये मेरा 1 से 6 का जो साइज है ये निकल करके बाहर आ गया है इस प्रकार से। अब इसे क्या करना है आपको, इस फर्मे पे ऐसे सेट कर देना है और रिंच के सहायता से इसे एडजस्ट कर देना है। इस हिसाब से एडजस्ट करके और इसे टाइट कर देना है, और फिर बहुत ही आसानी से आप इस पे 1 से 6 का बना लीजिए, 1 से 8 का बना लीजिए, 1 से 10 का, 1 से 12 का, रनिंग स्टार्टिंग टोटल। तो ऐसे आप इसका स्टेटर का जो साइज है उसे रिंग का साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका मेरा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दे। अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।